गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पंजाबी क्लास। आज असी किरिया बारे पढ़ांगे, जिसनू अंग्रेजी विच वर्ब भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, सब तो पहला इन्हां तस्वीरां नू ध्यान नाल देखो ते इन्हां हेठां दित्ते शब्दां नू पढ़ो। नंबर वन, गाउणा, खेडना, खाना, दौड़ना, पीना, रोना, सोना, धोना, पढ़ना, चलना, बनाउणा, लिखना। सो बेटा, तस्वीरां हेठां दित्ते शब्द किसे काम दे होण जां करन बारे दस रहे हैं। ठीक है, जिन्हां शब्दां तों काम दे वापरन, करन जां होण दा पता लगदा होवे, उन्हां शब्दां नूं किरिया कहा जांदा है, भाव वर्ब कहा जांदा है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट तुसी देखोगे इन्हां तस्वीरां विच हो रहियां किरियावां नूं पढ़ो ते समझो। देखो, मोर नचदा है। इस वाक विच मोर द्वारा जो काम कीता जा रहा है ओह किरिया है, भाव नचदा है किरिया शब्द है। नेक्स्ट, कुड़ी हस रही है। इस वाक विच कुड़ी द्वारा हसन दा काम हो रहा है, इसलिए हस रही है किरिया है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखोगे, अमन लिख रहा है। इस वाक विच अमन द्वारा लिखन दा काम कीता जा रहा है, इसलिए लिख रहा है किरिया शब्द है। नेक्स्ट, माली फुल तोड़दा है। इस वाक विच माली द्वारा फुल तोड़न दा काम कीता जा रहा है, सो बेटा फुल तोड़दा है यह किरिया शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, ड्राइवर गड्डी चलाउंदा है। इस वाक विच ड्राइवर द्वारा गड्डी चलाउण दा काम कीता जा रहा है, सो बेटा गड्डी चलाउंदा है वह किरिया शब्द है। लास्ट देखोगे, तरखाण कुर्सी बनाउंदा है। इस वाक विच तरखाण द्वारा कुर्सी बनाउण दा काम कीता जा रहा है। ठीक है, सो बनाउंदा है इस विच किरिया शब्द है। क्लियर बेटा? सो मैनू आस है कि तुहानू किरिया चैप्टर समझ आ गया होवेगा। ठीक है, इस दे नाल ही यह चैप्टर फिनिश हुंदा है। तुसी इस वीडियो दी हेल्प नाल इस चैप्टर दी बैक एक्सरसाइज हल करनी है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।